बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया चैप्टर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। व्हाट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग बीइंग्स एंड एनवायरमेंट एंड देयर म्यूचुअल इफेक्ट ऑन ईच अदर। लिविंग बीइंग यानी जानदार और एनवायरमेंट जहां पे वो रहते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन, मेल मिलाप, और इस मेल मिलाप के नतीजे में ये एक दूसरे पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में यही दो चीजें स्टडी की जाती। What is environment? Environment किसे कहते हैं? तो environment का कोई एक लाइन डिफिनेशन नहीं है। Environment चंद कंपोनेंट्स का मुश्तरक नाम है। Environment के कंपोनेंट्स ये हैं: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। लिथोस्फेयर मींस रेज्ड रॉकी क्रस्ट। रेज्ड रॉकी क्रस्ट मतलब है खुश्की, बालों वाली नहीं, खुश्की। यानी ये जमीन पहाड़, इसे लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर का 90% से ज्यादा हिस्सा, मोर देन 90% ऑफ द लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 11 एलिमेंट्स, और इन 11 एलिमेंट्स में से नोटेबल एलिमेंट है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटाशियम। ये नोटेबल एलिमेंट्स हैं। तो लिथोस्फीयर का मतलब हुआ खुश्की, यानी रिज्ड रॉकी क्रस्ट, जमीन पहाड़, वो जगह जहां पे पानी ना हो, उससे लिथोस्फीयर कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मींस वाटर बॉडीज, आबी ज़खायर। हाइड्रोस्फीयर का मतलब है वाटर बॉडीज। और वाटर बॉडीज में इंक्लूडेड हैं ओशियन, ग्लेशियर एंड पोलर आइस केप्स, बर्फानी चोटियां, यानी वो पहाड़ जहां पे साल के तकरीबन 12 महीने बर्फ पड़ी रहती है। और ग्लेशियर का मतलब है बर्फ का पहाड़। सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, दुनिया की पानी का 97% ये बहरों में पाया जाता है, ओशियन में। 2%
ये ग्लेशियर और पोलर आइस केप्स में और सिर्फ 1% वाटर सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर, ये मैंने ग्राउंड लिख रहा है सॉरी, दिस इज अंडरग्राउंड, ये 97% और ये 2% वाटर किसी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। वजह क्या है? इसमें ढेर सारी बैक्टीरिया और साल्ट्स होते हैं, हम किसी भी मकसद के लिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते सिवाय बहरी जहाज चलाने के। ये 2% वाटर इट इज प्योर वाटर, खालिस पानी है, लेकिन एक खास जगह तक महदूद है, ग्लेशियर और पोलर आइस केप्स तक ही महदूद है, वहां से फ्लो कर नहीं सकता। तो अब पानी लाने के लिए हम सियाचिन तो नहीं जा सकते, देयरफॉर ये पानी किसी भी इस्तेमाल के काबिल नहीं है। आल दो प्योर हैं पर इस्तेमाल के काबिल नहीं है, हमें सिर्फ ये 1% वाटर अवेलेबल होता है। और इस 1% का 68% इसी 1% का 68% ये एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, ट्वेंटी इंडस्ट्रियल परपजेस के लिए, दिस इज प्रोबेबली 24 यस, और 8% वाटर डोमेस्टिक पर्पजेस के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए, तीसरा कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर, खुश्की और पानी के ऊपर ये जो गैसेस की चादर पड़ी होती है इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बुलंदी है 1000 किलोमीटर, सतह समंदर से लेकर किस हाइट तक 1000 किलोमीटर तक ये जो रीजन है इसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर को मुख्तलिफ जोन में डिवाइड किया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। सतह समंदर से लेकर 11 किलोमीटर तक ये जो रीजन है इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, और ट्रोपोस्फेयर में ये सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, और भी लेकिन ये चार मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे ज्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की, तकरीबन 78% नाइट्रोजन होता है, 20% ऑक्सीजन, 20% से थोड़ा सा ज्यादा, और ये लेस देन 2% ये और चीजें हैं। इसमें नोटेबल ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना होता है 0.04%। ओके, ट्रोपोस्फेयर के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात, और वो इंपॉर्टेंट बात ये कि इस रीजन में जब आप नीचे से ऊपर की जानिब जाओगे तो टेम्परेचर इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज होगा। सपोज नीचे वाली जगह का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर विल डिक्रीज,
यही वजह है कि वो इलाके जो सतह समंदर से बुलंदी पे हो वो ठंडे होते हैं, सर्दियों में वहां बर्फ पड़ती है, गर्मियों में मौसम काफी अच्छा होता है, ठंडा होता है। ऐसा क्यों है? Why temperature decreases with altitude? यहां पे है गैसेस, यहां पे है गैसेस। जब रेडिएशन सूरज की तरफ से आते हैं और ग्लोब को यानी जमीन को हिट करते हैं तो ये रेडिएशन एनर्जेटिक होते हैं, ये तो इन गैसेस से पास होते हैं, लेकिन फिर जब यहां से जमीन रेडिएशन एमिट करती है तो ये रेडिएशन ऊपर जा नहीं सकते, नीचे ट्रैप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ये रेडिएशन ऊपर जाने की अहलियत नहीं रखते, नीचे ही रुक जाते हैं। तो रेडिएशन का मतलब है एनर्जी। ये नीचे वाली जगह एनर्जेटिक यानी इसका टेम्परेचर ज्यादा, ऊपर वाली जगह में रिफ्लेक्टेड रेडिएशन नहीं है तो ये ऊपर वाली जगह होगी ठंडी। तो ट्रोपोस्फेयर में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज हो। अगर आपने एरोप्लेन में सफर की हो तो जब आप कंप्यूटर को एरोप्लेन के अंदर लगे हुए कंप्यूटर को देखते हो वहां पे टेम्परेचर शो होता है -50, -51, -52, -53 के रेंज में। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बाद शुरू होती है। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि जिस एयर में हम घूमते फिरते हैं, जो हमें इंटरैक्ट, जिनके साथ हमारा वास्ता होता है, वो इनफैक्ट एटमॉस्फेयर का कौन सा पोर्शन है? ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। स्ट्रेटोस्फेयर 11 किलोमीटर के बाद शुरू होता है और 50 किलोमीटर पे खत्म होता है और इसका मेन कंपोनेंट है ओजोन, O3। ओजोन कैसे स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है? ऑल्दो इट इज हेवियर देन ऑक्सीजन, तो ये फिर जब हम डिप्लीशन ऑफ ओजोन पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि ये ओजोन कैसे स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। इसी चैप्टर में आगे टॉपिक फिर आ रहा है डिप्लीशन ऑफ ओजोन, वहां पे फिर ये हम पढ़ेंगे कि ये क्यों ऑक्सीजन से ऊपर पाया जाता है। ऑल्दो इट इज हेवियर देन ऑक्सीजन। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर शुरू होती है और यहां जब हम नीचे से ऊपर की जानिब जाएंगे टेम्परेचर विल इंक्रीज। नीचे वाली जगह ठंडी, जू जू हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों है? यहां टेम्परेचर डिक्रीज और यहां टेम्परेचर इंक्रीज। दिस इज बिकॉज ओजोन में कुदरत ने, रब ने ये खूबी रखी है कि ये यूवी रेडिएशन को नीचे आने से रोकता है, उसे वापस ऊपर की जाने पर रिफ्लेक्ट करता। तो चूंकि रेडिएशन ऊपर की जानिब जाती है देयरफॉर ये ऊपर वाली जगह गर्म होगी, नीचे वाली जगह ठंडी। मेसोस्फीयर ये 50 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 85 किलोमीटर तक, ये थर्मोस्फीयर ये तकरीबन 500 किलोमीटर,
और 500 किलोमीटर से ऊपर जो रीजन है उसे एग्जोस्फेयर कहते हैं। इन दोनों में मॉलिक्यूलर केटायंस होते हैं, मॉलिक्यूलर केटायंस यानी पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, O2+ NO2+ एटसेट्रा मॉलिक्यूलर केटायन होते हैं। हमारे इंटरेस्ट के में सिर्फ और सिर्फ ये दो जगह, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, तो लेथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को कलेक्टिवली एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जहां पे जिंदगी मुमकिन हो उस हिस्से को बायोस्फेयर कहते हैं। व्हाट इज बायोस्फेयर? बुक में बायोस्फेयर इस एनवायरनमेंट का कंपोनेंट लिखा है। नो, इट इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। It is in fact lithosphere, hydrosphere and troposphere। इन तीनों को, lithosphere को, hydrosphere को और troposphere को, इन तीन जगहों को collectively biosphere कहते हैं। What is biosphere? Part of the environment which support life। Environment का वो हिस्सा जो जिंदगी को सपोर्ट करे, जहां पे जिंदगी मुमकिन हो उसे बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर में कौन कौन सी जगह इंक्लूडेड है? लेथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। इन तीनों को कलेक्टिवली बायोस्फेयर कहते हैं। अच्छा, बायोस्फेयर एनवायरनमेंट के उस हिस्से को कहते हैं जहां पे जिंदगी पॉसिबल है। तो बायोस्फेयर में क्या है? लेथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। बायोस्फेयर में जिंदगी है, नगमे हैं, गाने हैं, तराने हैं, लोग रहते हैं। इंसान बाई नेचर सेल्फिश है। हर इंसान में एक सेल्फिश जीन होता है। बास लोगों में वो जीन सप्रेसिव होता है और बास लोगों में डोमिनेंट। जिन लोगों में ये सेल्फिश जीन डोमिनेंट हो उससे आप जीत नहीं सकते। Shortly, human by nature selfish है। हर इंसान में selfish जीन होता है। वो अपनी मतलब की चीज environment से लेता है और बदले में कचरा environment में फेंकता है, बेकार चीज environment में फेंकता है। आप apple खा रहे हो तो जो आपकी मतलब की चीज है वो आप खा लेते हो और बचा कुचा वैसे फेंक देते हो। तो इंसान घरों में जब हांडी पकती है, सब्जी काटते हैं तो मतलब की चीज इंसान खुद खा लेता है और कचरा गली बाहर गली में फेंक देता है। तो ह्यूमन बाय नेचर सेल्फिश है, अपनी मतलब की चीज एनवायरनमेंट से लेता है और कचरा एनवायरनमेंट में फेंक देता है। एक ऐसी चीज जो नेचुरली एनवायरनमेंट में मौजूद ना हो लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से,
ह्यूमन एक्टिविटी को एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी कहते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से वो एनवायरनमेंट में एंटर हो जाए, ऐसे केमिकल को पॉल्यूटेंट कहते हैं। पॉल्यूटेंट क्या है? एक ऐसा केमिकल जो नेचुरली एनवायरनमेंट में मौजूद हो लेकिन आप लोगों की वजह से, मेरी वजह से वो एनवायरनमेंट में एंटर हो जाए और हमारी जिंदगी पे उसके मुजिर असरा हो, ऐसे केमिकल को पॉल्यूटेंट कहते हैं। या एक ऐसा केमिकल जो नेचुरली एनवायरनमेंट में मौजूद हो लेकिन उसकी मेदार कम हो, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से उसका मेदार बढ़ने लगे, उसे भी पॉल्यूटेंट कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली तो एयर में मौजूद है लेकिन कितना है? 0.035%, 0.04%, मिकदार कम है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से उसकी मिकदार मुसलसल बढ़ रही है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा मिकदार है ये पॉल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉल्यूटेंट है। तो पॉल्यूटेंट यू डिफाइन किए जाते हैं, अ सब्सटेंस व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट नेचुरली बट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, that is anthropogenic activity, enters into environment and adversely affect life is called pollutant. Pollutant की दो किस्में हैं, एक को कहते हैं primary pollutant, दूसरे को कहते हैं secondary pollutant. Primary pollutant वो होता है जो directly खतरनाक हो, जैसे carbon monoxide डायरेक्टली खतरनाक है, साइलेंट किलर कहलाता है, एस्फिजियाटिक पॉल्यूटेंट भी उसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। एस्फिजियाटिक पॉल्यूटेंट ऐसा पॉल्यूटेंट जिससे दम घुट जाए, जो गले को दबाए, वो गला यू नहीं दबाता, कार्बन मोनोऑक्साइड के हाथ नहीं होते कि किसी का वो गला दबा ले, बल्कि बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड खुद खतरनाक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्राइमरी पॉल्यूटेंट। और जो पॉल्यूटेंट, जो केमिकल खुद एट सेल्फ उससे डायरेक्टली खतरा ना हो लेकिन उसके नतीजे में और ढेर सारे मसाइल पैदा हो, उसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट, खुद खतरनाक है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद हमारे लिए डायरेक्टली खतरा नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के नतीजे में और ढेर सारे मसले पैदा होते हैं। तो ऐसा केमिकल जो खुद खतरनाक ना हो लेकिन वो और ढेर सारे मसाइल हमारे लिए पैदा करे, उसे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। पॉल्यूटेंट लेथोस्फेयर को यानी सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हाइड्रोस्फेयर को यानी वाटर बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है और ट्रोपोस्फेयर को सांस लेने के लिए मुश्किल बना रहा है। तो इनका नेचुरल जो कंपोजिशन है वो नेचुरल कंपोजिशन डिस्टर्ब हो रहा है, यानी ये कंपोनेंट्स नापाक होते जा रहे हैं, पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं।
लिथोस्फेयर के पोल्यूशन को कहोगे सॉइल पोल्यूशन, हाइड्रोस्फेयर के पोल्यूशन को कहोगे वाटर पोल्यूशन, ट्रोपोस्फेयर के पोल्यूशन को कहोगे एयर पोल्यूशन। हमारे कोर्स में है सिर्फ दो, वन इज एयर पोल्यूशन एंड अदर इज वाटर पोल्यूशन। तो हम डिस्कस करेंगे इन दो को, एयर पोल्यूशन को और वाटर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, तो एयर पोल्यूशन डिस्कस करने से पहले, केमिकल रिएक्शंस अकर इन अनपोल्यूटेड एयर, यानी ऐसी एयर जिसमें पोल्यूशन ना हो, उनमें कौन से रिएक्शन होते हैं? मेनली ये तीन जो मैंने लिखे हैं। ये पहला वाला कहलाता है फोटोसिंथेसिस, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में होता है। ये रिएक्शन H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव कार्बोनिक एसिड, ये रिएक्शन उस वक्त होगा जब बारिश हो रही हो, ड्यूरिंग रेनिंग, व्हेन इट रेन्स। और ये देखिए H2O नाइट्रोजन ऑक्सीजन गिव HNO3। ये रिएक्शन कब होगा? दिस रिएक्शन विल अकर When it is raining with lightning and thundering, जब गरज चमक के साथ बारिश हो रही हो, तब जाके ये तीसरा रिएक्शन होगा। ये जो एसिड्स बनते हैं ये बारिश के पानी के साथ नीचे आएंगे, और ये बारिश के पानी का pH 5.6 कर देते हैं। ये दोनों मिलके बारिश के पानी का पीएच 5.6 करता है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि इस बारिश को जिसका पीएच इतना हो उसे आप एसिड रेन नहीं कहोगे। क्यों? आप दो ये जो पीएच है ये एसिडिक रेंज में है, लेकिन इसे एसिडिक रेन नहीं कहते। वजह यह है कि ये हमारे कंट्रोल में है नहीं, ये कुदरत की तरफ से है। बारिश होती है गरज चमक के साथ, तो उसमें नेचुरली ये रिएक्शन होते हैं, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। ये एसिड बन गए और इसने बारिश के पानी का पीएच 7 से कम करके 5.6 किया। हाँ, अगर बारिश के पानी का पीएच इससे कम हो जाए 5.6 से, जो कि अनपोल्यूटेड एयर में होगा नहीं, वो पोल्यूटेड एयर में होगा, तब जाके हम बारिश को एसिडिक रेन कहेंगे। एसिडिक रेन का मतलब हुआ जिस बारिश के पानी का पीएच 5.6 से नीचे हो, इस रेंज में हो, तो एसिडिक रेन नहीं कहलाएगा। ये तीन रिएक्शन अनपोल्यूटेड एयर में होते हैं, लेकिन आजकल एयर इतनी गंदी हो चुकी है कि उसमें ऐरे गैरे रिएक्शन हो रहे हैं। किस वजह से? ड्यू टू पॉल्यूटेड। कौन से पॉल्यूटेंट है? तो वो पॉल्यूटेंट है एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूटेंट है ये कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉक्स मींस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉक्स मींस ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, O3 ओजोन, हाइड्रोकार्बन्स और पार्टिकुलेट मैटर यानी डस्ट पार्टिकल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड,
ये प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड को एस्फिजियाटिक पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये वो केमिकल हैं जो बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई काट देता है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है, और ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन हमारी बॉडी के ब्लड में होता है और हमारी बॉडी के हर जगह को पहुंचता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस ऑक्सीजन को हटा देगा और खुद हेमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा। इसे कहते हैं कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। यूं ये बांड जो इन दोनों के बीच है ये टूटेगा नहीं। वाई? बिकॉज ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बांड से 320 टाइम्स ज्यादा मजबूत होता है। मेरे कहने का मतलब है अगर किसी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मौजूद हो तो हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, बॉडी के वाइटल पार्ट्स को ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। अगर किसी जगह पे तकरीबन कार्बन मोनोऑक्साइड की इतनी माइन्यूट क्वांटिटी हो 750 ppm, तो इस माइन्यूट क्वांटिटी से इंडिविजुअल बेहोश पड़ सकता है और मर सकता है। ये ईयर में जब एंटर हो जाए तो ये सांस लेने में मुश्किल पैदा करती है। ये ईयर में कैसे एंटर होता है? जब हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, यानी जब हम नेचुरल गैस पेट्रोल कोल लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाएं। नॉक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ये ईयर में एंटर होते हैं।